दर्द नहीं होता तो मैं तेरे साथ आती। सारू थयू भाभी, आप नहीं आए। क्यों, क्या हुआ? अरे कहाँ मखमल और कहाँ टार, वो छोकरी मेरे एम के पैरों की मैल तक नहीं है। मतलब लड़की सुंदर? अरे सूरत से क्या करना है भाभी, सीरत भी तो देखनी पड़ती है ना। और वो छोकरी, वो तो डफोड़ छे डफोड़। देख कोकिला, कमियां हर किसी में होती हैं, और अगर तू इतना मीन में काढ़ेगी तो होके रहा हमारे अहम का लगन। 26 साल का हो गया है वो। अभी 26 साल का हो गया तो क्या हुआ, निकल गई मेरे बेटे की लगन की उम्र? आपको तो ये बात ही नहीं पसंद है कि मेरा बेटा है मेरी पसंद की छोकरी से लगन करे। ला, मैं तो बस सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। आप तो कोकिला, तुमने देखा अहम कितना खोया खोया सा? मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलिए। वैसे ही मेरे नसीब से एक ऐसा इंसान जुड़ा है जो अपना धन दौलत कारोबार खोए हुए भी आराम से बैठा है। वैसे कोकिला, कभी कभी सच्चे मन से तेरी तारीफ करने की इच्छा होती है। नहीं, मतलब कि हमारे समधी लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुमने सारा सगाई का कार्यक्रम इस घर में रखा। ये सब मैंने आपकी वाहवाही के लिए नहीं किया है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि लड़की वालों को जितना ज्यादा अपने एहसानों तले दबाओ, लड़की भी उतना ही दबी रहती है। समझे? आप नहीं समझोगे। कितना दूर की सोचती है मेरी बीबी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार बनाए रखिए हम लोगों के साथ, और देखते रहिए साथ निभाना साथिया बाय अनमोल। थैंक यू सो मच। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, जिसको मुझसे बातें करनी हो मैं वहाँ पर सबका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच।